हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके आपके कम से कम टाइम में 1000 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। बहुत सारे जन को ये ट्रिक्स नहीं मालूम है, वो क्या करते हैं, मेहनत करते जाते हैं, वीडियोस पे वीडियोस डालते जाते हैं, पर उनके वीडियोस कभी भी लोगों तक नहीं पहुंचते और लोग उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। तो मैं इसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कौन कौन सी गलती करते हो आप जिसके कारण आपके वीडियोस पर कभी भी व्यूज ज्यादा नहीं आते। व्यूज नहीं आएंगे, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो कोई मतलब का नहीं है यूट्यूब चैनल चलाने की। इसके कारण सब्सक्राइबर बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप जानते हो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, ये दोनों चीज होना चाहिए। अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर है और 4,000 घंटे अगर कंप्लीट नहीं है तभी भी आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते यूट्यूब से। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो काफी औसम है तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहो। थोड़ा सा टाइम आप भी निकाल लेना ताकि मैं आपको एक एक चीज समझा सकूं। आपको जल्दी होंगे तो आप वो काम कर लीजिए, उसके बाद मेरा आके वीडियो जरूर देखना। मैं क्या करता हूं, आपको मोबाइल उस पर लेकर चलता हूं और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं कि भाई आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है। ये क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली इसे कर दिया हूं ओपन। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो अपने चैनल पे लेकर चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि भाई मेरा चैनल किस तरीके से ग्रोथ किया है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सभी के पास रहता है YT स्टूडियो, तो मैं क्या करता हूं YT स्टूडियो ओपन कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर आपको पूरे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, आपको YouTube पर लेकर चलता हूं। YouTube पर लेकर चलने के बाद यहां पर मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ दिखाता हूं, यहां MS टका टक, ठीक है, लाइव। अब देखिए जैसे मैंने लाइव लिखा है या लाइव ऑप्शन के बारे में लिखा है, ऊपर में देखिए सबसे पहले वीडियोस मेरा ही दिखाई दे रहा है MS टका टक लाइव, क्योंकि लाइव के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाया और मैंने जेन्युइन कंटेंट के साथ आपको बताया है। ये देखिए ये मेरा लाइव है, सेकंड वाला मेरा, उसके बाद थर्ड वाला आ गया टेक्नो APK अनुज, दो हफ्ते पहले डाला और वही मैंने दो हफ्ते पहले मेरा वीडियोस डाला था जिसमें 15,000 लोगों ने देखा और ये 3.3 यानी 3,000 लोगों ने देखा। फिर एक दो आप वीडियोस छोड़ेंगे तो वहां पर मेरे को 10,000 व्यूज मिल रहा है एजाज इंजीनियर, वहां पर दिखाई दे रहा है MS टका टक। आपको मेरा लोगो ही अलग समझ में आएंगे कि मेरे जो थंबनेल्स होते हैं तो वो अलग ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थंबनेल्स पे ध्यान देना है। आपको ध्यान क्या देना है, कैची अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाना है। अगर आप सोचेंगे कि भाई नहीं हम कोई भी थंबनेल्स बनाएंगे, ये देखिए टेक्निका सेट इन्हें काफी अच्छा है क्योंकि इन्हें हाईलाइट किया है, लाइव ऑप्शन इनेबल, पर उसी की जगह आप इधर देखेंगे तो इधर MS टका टक, अरे यार पीले में ब्लैक, यार कॉम्बिनेशन नहीं जमा। तो इनके 252 एक हफ्ते पहले डाले पर 252 व्यूज मिले, इसके कारण आपका थंबनेल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके बाद देखिए MS टका टक फॉलोअर्स के ऊपर मैंने बनाया था, फिर MS टका टक, ये पूरे वीडियोस अपने ही आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भाई MS टका टक में बाकी भी वीडियोस है, ये देखिए बाकी लोगों ने भी वीडियोस बनाए लाइक के पापा, उनके नहीं आ रहे क्योंकि थंबनेल इंपॉर्टेंट रखता है, आपके इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दूसरी चीज देखिए, एक चीज मैं तो आपको बता दिया, दूसरा इसमें यह है कि भाई आप जो भी वीडियोस बनाते ना ऐसा बनाइए कि थंबनेल्स के साथ साथ आपका कंटेंट भी मैच होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्या लिखते हैं, थंबनेल्स कुछ अच्छा रख लेते हैं बहुत अच्छा और अंदर के तो कंटेंट उससे रिलेटेड रहता ही नहीं। उनको लगता है यार भाई कौन देख रहा है हमारे कंटेंट, लोग देखते पसंद नहीं आते छोड़ देते। और यहां पर जो आपका पॉइंट्स है वो है आपको 8 मिनट से ज्यादा अपना वीडियोस बनाना है, लेंदी बनाइए क्योंकि आपको सब्सक्राइबर से ज्यादा 4,000 घंटे भी आपके कंप्लीट होना चाहिए। 9 मिनट नीचे आइए, ये देखिए 4 मिनट का उन्होंने बनाया और 4 मिनट का इन्हें, जबकि इन्हें 3,000 मिले इन्हें 1,000 ही मिले, मतलब 948। फिर उसके बाद इन्होंने 2.5 मिनट का बनाया 13,000, पर उधर मैंने देखो 4 मिनट का बनाया था 10K चले गया था क्योंकि मैंने 2 9 मिनट के बनाए। उसके बाद ये देखिए 8 मिनट से ज्यादा का बनाया, 8 मिनट से ज्यादा 10 मिनट, मतलब सब मैं 8 मिनट के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई वॉच टाइम बढ़ना चाहिए, वॉच टाइम बढ़ेगा आपका वीडियो रैंक करेगा, रैंक करने के साथ साथ क्या होता है दूसरे तक पहुंचता है, लोग उसे देखते हैं। ये हो गया आपके इसमें, तो मैं सबसे पहले यही बता रहा कि भाई सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी कुछ टाइप करेगा जैसे कि इसने वीडियोस लाइव ऑप्शन से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर वीडियोस किसके आ रहे हैं, ये देखिए पूरे वीडियोस आ रहे हैं यहाँ पर, फिर मेरा एक वीडियोस आ गया है 2, अब यहाँ पर जैसे वीडियोस 3 4, तो यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 अब मेरी वीडियोस आ रहे हैं क्योंकि लाइव से रिलेटेड मैंने भी वीडियोस बहुत ज्यादा बनाया था। पर एक चीज आपको बता दूं, कभी भी आप क्या करते हैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाए जिसे किसी ने भी नहीं बनाया हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा वीडियोस मत बनाइए जो सबने बनाए कि भाई यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, पर जो अच्छे तरीके से समझाता है उसको आप ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इसके कारण आप कुछ ऐसा कीजिए जिसके कारण दूसरे लोगों ने वीडियोस नहीं बनाया आप बनाएंगे, सबसे पहले रैंक आपका ही करेगा। लोगों को फॉलो मत कीजिए, आपको जो कंटेंट याद है, जो कंटेंट लोगों को पसंद है, जो आपको अच्छी खासी नॉलेज है उस पे आपको क्या करना है वीडियोस बनाने। मैं क्या करता हूं इसे बंद कर देता हूं, मैं आता हूं YT स्टूडियो पर लेकर। यहां पर ये देखिए
रैंकिंग बाय व्यूज 2 out of 10, जो मेरा पहला रैंक किया था 2.3, मतलब 2,317 हुए थे टिकटॉक न्यू अपडेट्स के बारे में मैंने बताया था। दूसरा मेरा ये वीडियोस रैंक कर रहा है जिसमें व्यूज 2.2 है, मतलब 1.2 से लेकर 1.8 तक होना चाहिए, अब दिखा रहा है मतलब ये मेरा है। और यहाँ पर 3.25 है, 3.34 से 3.25, मतलब 234 से 3.25 होना चाहिए था, मेरे 3.25 है, ये भी अब दिखाता था, अब जाके वो राइट हो गया। नीचे भी 5.4 होना चाहिए था मेरा, 7.6, मतलब ये सब ऊपर ही रेटिंग जा रही है। इसके कारण मैं क्या कहता हूँ, आप जो वीडियोस बनाते हैं वो थोड़ा ज्यादा इसका बनाइए। देखिए 450 लोगों को पसंद आया, पर 24 लोगों को ऐसा है कि भाई उनको शायद लाइव ऑप्शन नहीं मिला होगा, और कुछ कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, वो तो एक मिनट देखने से पहले डिसलाइक करते, तो डीमोटिवेट कभी नहीं होना। आपके इसमें देखिए कमेंट भी 176, और सभी का रिप्लाई देना जरूरी रहता है आपके इसमें। यहाँ पर देखिए मैंने कितने वीडियोस डाल दिया, पर कभी भी आपको अपसेट नहीं होना। यहाँ पर अभी मेरे 8,000, 16,000, 6,000, 8,000, 6,000 इस तरीके से व्यूज आ रहे हैं, पर पहले आपके व्यूज कितने आएंगे, 100, 150, 200, 300, इस तरीके से कम से कम व्यूज आएंगे। तो आपको क्या करना है, निराश नहीं होना है, वीडियोस अपलोड करते जाना है जिसमें आपका नॉलेज सबसे ज्यादा हो। ओके, और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेलिस्ट, सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करना है, जिसके मैंने काइन मास्टर से प्लेलिस्ट बनाया था, ट्रिक से इंस्टाग्राम स्नैक्स वीडियो टिकटॉक एमएसटाकाटा। अब जिसको भी एमएसटाकाटा के वीडियोस चाहिए वो क्या करेंगे, एमएसटाकाटा को ओपन करेगा, पूरे वीडियोस देखेगा, एक देखेगा, दो देखेगा, तीन देखेगा, इस तरीके से आपके ही वीडियोस बहुत ज्यादा फॉर यू पे जाते हैं, मतलब व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं यार। लोग लाइक करना चाहिए, डिसलाइक करें आपका ग्रोथ रुक जाता है। इस कारण मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कम से कम टाइम में आपकी ये बन जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक शो करता हूँ, ये गया हूँ मैं यहाँ से दूसरा अकाउंट ये ओपन किया हूँ, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा वीडियोस है 63,000, दूसरा अकाउंट है 63,000, मैंने कैसे किया मैं आपको वही चीज बताऊ। यहाँ पर देखिए मैंने एक वीडियो डाला था 163, 158, मतलब ये वीडियोस मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि पता रहना चाहिए, आपको नॉलेज मिलना चाहिए कि भाई मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ थोड़ा सा बड़ा बनाइए, वॉच टाइम कीजिए, और एक चीज जो आप बता रहे हो ना, सामने वाला ध्यान से आपकी बात सुने ताकि वो लास्ट तक देखे, तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। जैसे आप मेरा वीडियोस लास्ट तक देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं एक चीज आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो आपको वो पॉइंट्स पता रहता है, तो इसके कारण आप मेरा क्या करते हैं, वीडियोस लास्ट तक देख रहे हैं। और एक चीज, अप टू डेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप 5 दिन पहले किसी ने कुछ चीज बताया, आप 5 दिन के बाद बताया, लोग आपको नहीं देखेंगे, आपको अप टू डेट रहना जरूरी है। इसमें देखिए कुछ कुछ वीडियो मेरे 200, 300 इस तरीके से कहते, पर कुछ एक वीडियोस मेरा क्या होगा, बहुत ज्यादा मैंने वायरल करवा दिया था, क्यों, क्योंकि मुझे वो चीज पता थी, मेरे को बोले वायरल करवा दो, तो इसके कारण मैंने क्या किया था, उसे वायरल कर दिया था। मैं आपको शो करता हूँ कौन सा वो वीडियोस था, ये देखिए 4,000, 7,000, ये सब चीजें मैंने वीडियोस बनाए, पर हार नहीं मानना है। एक चीज, बी पेशेंस, पेशेंस में अगर आप बोलेंगे नहीं यार मेरे ये वीडियोस नहीं हो पा रहा, वो वीडियोस नहीं हो पा रहा, आप ऐसा ऐसा कर देंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी चीजों को तो मैंने मोनेटाइज भी नहीं करवाया था, इसे सबको मोनेटाइज करवाना पड़ेगा। इसमें का एक वीडियोस कहा गया, ये देखिए 41,000, ठीक है, दिखाई दे रहा आपको 41,000, 15,000, इस तरीके से आपका वीडियोस बहुत ही ज्यादा वायरल होना चाहिए। वायरल होने के साथ साथ आपका वीडियोस एकदम से ट्रेंडिंग पर आ जाता है, तो आपको रहना। और ये देखिए सबसे ज्यादा 24, 40 दिन के बच्चे को फ्लाइट की जगह एम्बुलेंस क्यों ले जाया गया, 24, ठीक है, मतलब 24 लाख लोगों को पसंद आया था, ये देखे थे लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वीडियोस वायरल होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर देना, माइंड में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दूँ, आप वहां पर जाना, वहां पर क्लिक करना है, और डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।